नमस्कार, मेरा नाम है सोनू मेहरोत्रा कपूर और एनडीटीवी का कैंपेन बनेगा स्वस्थ इंडिया, उसके अंतराल हम आपको बहुत सारी टिप्स लेकर आते हैं रेगुलर बेसिस पर कि आप समझ पाएं क्या करना है, कैसे करना है अपने आप को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। तो आज हम बात करेंगे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो बहुत देखने में तो आ रहा है, सुनने में आ रहा है, लेकिन उसके बारे में जानकारी बहुत कम है लोगों को। हम बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहे हैं जहां लोग कोविड से रिकवर तो हो जा रहे हैं, लेकिन रिकवरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गए हैं। एक बहुत फेमस केस है और अनफॉर्चुनेट केस है एक्चुअली, रोहित सरदाना का, जो बहुत फेमस एंकर थे और वो कोविड से रिकवर हो गए थे और उसके बाद सडनली उनका हार्ट अटैक में उनकी जान चली गई। एंड उसके बाद से लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा तो बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो अब डॉक्टर्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर के देशों में भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे पोस्ट कोविड जो रिकवरी होती है उसमें कम से कम 3 महीने लगते हैं, कम से कम 3 महीने लगते हैं बॉडी को फुली शेप में आने में, आपके सारे बॉडी पार्ट्स को कंप्लीटली नॉर्मल फंक्शन करने में। तो अगर आपको कोविड हुआ है, आप उससे रिकवर कर रहे हैं, बधाई हो आपको, लेकिन उसके बाद भी ये बात का ध्यान रखें कि 3 महीने तक आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यों ऐसा है कि हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस पे जो साइंटिफिक प्रूफ है वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर, जब आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम कोविड को फाइट आउट कर रहा होता है अंदर, तो उसको करते करते बॉडी के अंदर बहुत इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है। वो इन्फ्लेमेशन जब डिवेलप होता है तो उस चक्कर में बॉडी के अंदर आपको बहुत बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है बॉडी के ऑर्गन्स को, और उस चक्कर में कुछ डैमेज होता है, जो बहुत सारा डैमेज अब हार्ट के अंदर देखा जा रहा है। एक दूसरा रीज़न ये भी है कि आपकी आर्टरीज और आपकी वेन्स जो होती हैं उनकी इनर सर्फिस के अंदर, क्योंकि इतना इन्फ्लेमेशन है, वो डैमेज होना थोड़ा शुरू हो जाता है। उस डैमेज की वजह से कई बार ब्लड क्लॉटिंग देखी जा रही है और वो ब्लड क्लॉटिंग कॉज हो रहा है हार्ट डिजीजेस का या हार्ट अटैक्स का। तीसरा रीज़न देखा जा रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर जब आपका इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम, जैसे मैंने कहा, फाइट आउट कर रहा है, तो वो कुछ टिश्यूज को डैमेज कर देता है। और कई सारे टिश्यूज, आपको पता है आपका हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है और एक मस्क्यूलर सिस्टम होता है, तो जो मस्क्यूलर सिस्टम में टिश्यूज होते हैं वो कुछ डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर से आपका हार्ट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एक और रीज़न ये भी है कि बहुत स्ट्रेस है लोगों को आजकल, आपको मुझे, हम सबकी फैमिली में कोई ना कोई लॉसेस हुए हैं, हम सब उसके बारे में डील कर रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रॉमा है, एंग्जाइटी है, उस चक्कर में भी बहुत हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइंड पर, और उस चक्कर में भी हार्ट जो है कॉम्प्रोमाइज्ड वे में काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारे जो 4-5 रीजन हैं, इन वजह से हार्ट के अंदर थोड़े, आपके हार्ट के अंदर थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो याद रखने की बात ये है कि सिर्फ आपके लंग्स ही नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं कोविड रिकवरी के बाद। सबको लगता है लंग्स के साथ हुआ है, ये कोविड है और लंग्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए, अब सीटी स्कैन ठीक हो गया है, अब हम बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपके हार्ट पर भी असर पड़ता है, आपके लिवर पर भी असर पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो 2 इम्पैक्ट पॉइंट्स होते हैं आपके ऑर्गन्स, होते हैं आपके लंग्स और आपके हार्ट। तो आपके हार्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान कैसे रखें उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखने के लिए इमीडिएटली कोविड से रिकवर करने के बाद आप एक्सरसाइज करना मत शुरू कर दीजिए, धीरे 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 बढ़ाइए उसे। मैंने कहा 3 महीने बहुत आराम से अपनी एक्सरसाइजेस बढ़ाइए। डॉक्टर्स के हिसाब के आपको स्टार्ट करना चाहिए योगा और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, जिससे आप थोड़ा पेस में आ सके, आपकी बॉडी में सेंटर आ सके और आपके माइंड में भी और बाकी सारी चीज़ों में भी थोड़ा ठहरा हुआ सके। तो योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से शुरू करें और धीरे धीरे अपना बढ़ाएं। दूसरा, 3 महीने तक या फिर स्टार्टिंग के 15 दिनों तक कम से कम आपका ऑक्सीमीटर जो आप यूज़ कर रहे थे जब आपको कोविड था, उसकी रीडिंग लेते रहें, अपने ऑक्सीमीटर में देखते रहें कि आपका पल्स लेवल कितना आ रहा है, आपका ब्रीदिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना आ रहा है। कोविड ठीक हो गया इसका मतलब नहीं है कि अब बिल्कुल सब ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा 3 महीने तक, कम से कम 15 दिन स्टार्टिंग के तो बिल्कुल ही बिना भूले, आपके रिकवर होने के बाद भी, टेस्ट नेगेटिव होने के बाद भी ये सब करते रहें। उसके अलावा कुछ
कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ जिसका ध्यान रखें, और अगर ये सब हो रहा है तो अपने डॉक्टर को तुरंत कॉल करें। जैसे अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, मतलब आपको जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करनी पड़ रही है और आपसे लंबी सांसें नहीं लिए जा रही हैं, थोड़ी जल्दी जल्दी जैसे बोलते हैं, पैल्पिटेशन हो रहा है, मतलब हार्ट बहुत जल्दी जल्दी फास्ट काम कर रहा है और आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी हार्ट बीट। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, अगर आपको इसके अलावा जो हमने सिम्टम्स देखे थे डॉक्टर से बात करने के समय, अगर आपको डिजीनेस हो रही है, लाइट हेडेड लग रहा है, आप खड़े होते हैं एकदम से और आपको चक्कर सा थोड़ा आ रहा है, और कई बार लोग अपने सिम्टम्स डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं लेकिन बोलते हैं बस घबराहट हो रही है, अगर आपको ऐसा सब हो रहा है तो इसे डिस्क्रेडिट ना करें, इसे एकदम छोड़ ना दें अपने ऊपर कि ये तो ठीक हो जाएगा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोविड नहीं हो सकता, मेरे अंदर एंटीबॉडीज आ गई हैं। अपने डॉक्टर को तुरंत फोन करें, वो आपको बताएंगे आपको क्या करना है, बिकॉज जैसे मैंने कहा ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, हार्ट टेंशन हो सकता है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, और डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। देखिए इन चीज़ों को जो मैं आपको बता रही हूँ इनसे डर मत जाइएगा, ऐसा नहीं है कि हर कोई जो रिकवर करता है उसे हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लोगों को होता है लेकिन वो कुछ लोगों की संख्या अब बढ़ती जा रही है क्योंकि कोविड की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आप इसमें अपनी जान ना गंवा बैठे, आपके कोई जानने वाले, आपके डियर वंस जान ना गंवा बैठे, इस वजह से ध्यान रखें कि अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं इसके बारे में। इसके अलावा कई सारे लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स ने हमें बताया कि अपनी दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं कि अब तो मेरा कोविड ठीक हो गया है, अब मुझे अपना ब्लड थिनर लेने की ज़रूरत नहीं है, या अभी मुझे अपनी ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अभी मैं थोड़े दिन बाद ट्राई करूँगा, अभी तो मैंने बहुत दवाइयाँ खा ली, ऐसा ना करें। दवाइयाँ ना खाना भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे रहा है। एक और जो चीज़ें ध्यान देने वाली कि कोविड रिकवरी में देखा गया है स्टेरॉइड्स का यूज़ बहुत होता है अब, और स्टेरॉइड्स का ये बात आपको जाननी ज़रूरी है कि एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिव होता है। एक कोई भी आप दवाई लेते हैं उसका इम्पैक्ट नेगेटिव कहीं ना कहीं बॉडी में पड़ता ही है, लेकिन स्टेरॉइड्स का देखा गया है इम्पैक्ट भी पड़ता है। ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स जो कुछ केसेस में देखा जा रहा है उसकी वजह से भी हार्ट प्रॉब्लम्स अब डिवेलप हो रही हैं, जो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बॉटम लाइन बेसिकली इसमें यही है कि अगर आपको थोड़े भी सिम्टम, अपनी बॉडी को सुनें, समझें वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, और अपने डॉक्टर को सिंक में रखें। देखिए हर बॉडी अलग होगी, हर कोविड अलग होता है और हर किसी का ट्रीटमेंट भी अलग होता है। कुछ लोगों को माइल्ड कोविड होता है, कुछ को मॉडरेट होता है, कुछ को सीवियर केसेस होते हैं, और जो मॉडरेट से सीवियर केसेस होते हैं उनमें ज़्यादातर हमने ये कॉम्प्लिकेशंस देखा है। ऑल्सो एक और मैं बात आपको बता दूं जाते जाते कि ये ना समझें कि अरे मेरा तो हार्ट बहुत हेल्दी है और जिन लोगों को पहले से हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनको ही आगे ये सब होगा, नहीं। डॉक्टर्स ने हमसे कहा है कि यंग लोग, 30 से 40 साल के लोग जिनका हार्ट शुड बी अलाइव एंड पंपिंग, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, लेकिन कंप्लेसेंट भी नहीं होना है। कंप्लेसेंट का मतलब उसको ऐसे ही हवा में टाल भी नहीं देना है, आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है, अपनी बॉडी को सुनना है, धीरे धीरे एक्टिविटीज़ बढ़ानी है, और कोविड नेगेटिव होने के 3 महीने बाद तक अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखना है। तो अपने डॉक्टर की सलाह लें, ये सारी टिप्स समझें, पैनिक मत करिएगा, वो आपके हार्ट को और बुरी तरह से ही इम्पैक्ट करेगा। अपने डॉक्टर की बात सुने, अपनी बॉडी की बात सुने, और एक इन्फॉर्म डिसीजन लें, हेल्दी रहें। आज के लिए इतना ही।